लक्ष्य। जल्दी से म्यूजिक सिस्टम ऑन करो। और हाँ, खाना खत्म होने के बाद मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए टेबल पे एक सरप्राइज रखा है, याद से देख लेना। ऑल द बेस्ट। प्लीज शांत हो जाओ। क्यों उसे इतना हर्ट कर रहे हैं? वो इनोसेंट है। स्वरा, स्वरा मुझे भी नहीं पता वो ये सब क्यों कर रहा है, पर स्वरा इस वक्त हमें रागिनी को बचाना है। प्लीज प्लीज मुझे आई लव यू बोल। वो झूठ होगा पर तुम्हें ऐसे बोलना जिससे उसे लगे कि तुम मुझे दिल से बोल रही हो। प्लीज सर, तुम्हें ये करना होगा। सर हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। सर प्लीज। प्लीज मेरी बहन रागिनी को कुछ मत होने देना। तुम्हारा बर्थडे है, हम तुम्हारे बर्थडे को बहुत खास बनाना चाहते हैं। की करूं, ये संस्कार अपने फोन क्यों नहीं उठा रहा है? सुजाता, तुम संस्कार को ये दूध देना भूल गई थी। हाँ हाँ जी जी, आज भूल गई मैं। अरे तुम्हें ऐसे भूलना नहीं चाहिए, वो किसके साथ दवाइयां खाएगा? हेलो। हाँ जी जी, वो क्या हुआ कि आज संस्कार दवाई खाए बिना ही सो गया। हमारे को लगा उठा के क्यों परेशान करना बच्चे को। चलो कोई बात नहीं, मैं एक काम करती हूँ, इसे टेबल पे रख देती हूँ। रात में अगर वो उठा तो इसके साथ दवाई खिला देना। जी जी, आप क्यों परेशान हो रही है? मारे कोई देख लीजिए ना, मैं ही रख देती हूँ, आप सो जाए। ठीक है। संस्कार भी पता नहीं कट्ठे चला गया, फोन भी ना उठा रहा है मारा। I love you लक्ष्मी, I love you so much.
तुमने एक घंटे में स्वरा से आई लव यू बुलवा लिया। गुड जॉब बॉय, गुड जॉब। तुमने जो कहा था वो हो गया ना? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लक्ष्य, ऑलमोस्ट। वैसे एक छोटा सा और काम है। स्वरा ने तुम्हारी बात मान ली, तुम्हें गले भी लगा लिया, तो अब एक किस तो बनता है ना। जस्ट वन किस लक्ष्य, सिर्फ एक किस और रागनी तुम्हारे पास होगी। जस्ट बिकॉज मैं तुम्हें बताना भूल गया कि किस कहाँ करनी है, तुमने मेरी गलती का फायदा उठा लिया। Anyways, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं तुमसे क्या क्या करवाता हूँ। तो ये गेम यही खत्म होता है और मिस्टर लक्ष्य तुम पूरे नंबरों से पास हो चुके हो, अब तुम दोनों जा सकते हो। गुड बाय। हमारा मन सिर्फ इस अंदेशे से डर रहा है कि कहीं लक्ष्य ने उस बंगाली लड़की को ताउम्र ना भुलाने का मन बना लिया तो वो जिंदगी भर अकेला ना रह जाए। वो अपना मन बना चुका है, जिद्दी है ना अपने पापा की तरह। जी हमने अभी वहां गेट के पास किसी की परछाई देखी। कौन है? चौकीदार, चौकीदार, वॉचमैन। वॉचमैन कहां से तुम लोग? जी साहब, हमने अभी अभी गेट से किसी को अंदर आते हुए देखा। देखो कौन था, जाओ चारों तरफ चेक करो। भगवान, कहीं संस्कार ना आया हो। क्या करूं? Yeah.
यहाँ कैसे आ गए? वो क्या क्या हो रहा है स्वरा? स्वरा हम कहाँ थे? स्वरा वहाँ इतना अंधेरा था, हम इतने डर गए, हम यहाँ कैसे आए? क्या हो रहा है? रागिनी रिलैक्स, पहले बस तुम मुझे ये बताओ कि तुमने क्या देखा कि वो लोग कौन थे, किसने तुम्हें किडनैप किया था? वॉचमैन, वॉचमैन सब, हमें एक परछाई देखी थी एक आदमी का। अरे देखा तो जाओ, ढूंढो उसे, देखो कौन है। रिव्यू सब देख लिया सब, बाहर कोई भी नहीं है। ना ना, लगता है चोट अंदर घुसा है। वो ये है कि मैंने तो किसी को भी ना देखा घर में घुसते हुए, होता तो दिखाई देता ना। मैं तो कह रही हूँ कि बाहर ही होगा जो भी होगा। सुजाता थार को कहीं पता कि अंदर आया कि नहीं आया? पहले देख तो लो अंदर अच्छी तरह से, क्या पता अंदर ही हो। मॉम, मैं किचन में हूं। जाओ बुलाओ दूसरे गार्ड को भी और घर को अच्छी तरह से चेक करो और रसोई से शुरू करना। वहां की खिड़की से कोई भी आसानी से अंदर आ सकता है। चलो जाओ। ओके सर।